नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरें फटाफट अंदाज। घुड़सवारी में भारत ने रचा इतिहास, 41 साल बाद गोल्ड मेडल हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस जयशंकर बोले, यूएनएससी में बदलाव होना जरूरी, बातचीत की तनाव को कम कर सकता है। अमेरिकी राजदूत ने किया पीओके का दौरा, भारत में एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने दी सफाई। जस्टिन ट्रूडो को अब श्रीलंका के विदेश मंत्री ने लपेटा, आतंकियों को लेकर कनाडा पर बड़ा आरोप लगाया। खत्म हुआ इंतजार, अयोध्या में पीएम मोदी की मौजूदगी में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, समारोह 22 जनवरी को होगा। बारामूला में हथियारों की सप्लाई के मॉड्यूल का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरफ्तार किए एलईटी आतंकी और 5 सहयोगी। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, भ्रष्टाचार करने पर जेल में डाल रहे तो वो परेशान। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की गिरफ्तारी, वारंट जारी, भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला। एमपी चुनाव की तारीख आना बाकी है, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने दिग्गजों के नाम देखकर तंज कसा, जिस पर शिवराज ने पलटवार किया। मणिपुर में जुलाई से लापता दो छात्रों की लाश मिलने से तनाव, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस एक्शन में 30 लोग घायल। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। अलीगढ़ में मॉडल से दुष्कर्म के मामले में महीनों से फरार सपा नेता कौशल दिवाकर ने कोर्ट में किया सरेंडर। एमपी के झाबुआ में 200 रुपए से 2 रुपए प्रति किलो हुआ टमाटर, किसान खेतों में ही फेंकने को मजबूर। ईडी ने त्रिशूर में करुवन्नूर सहकारी बैंक घोटाले के मामले में सीपीआईएम पार्षद अरविंदाक्षर को किया अरेस्ट। सेना के जवान की शिकायत निकली फर्जी, दोस्त से पीठ पर लिखवाया था पीएफआई, दोनों गिरफ्तार। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को आया हार्ट अटैक, लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था, लेकिन पार्टी का आदेश मानना ही पड़ेगा, टिकट मिलने पर कैलाश विजयवर्गीय करिए। बेटी की शादी के लिए जेवरात संग बैंक लॉकर में रख दिए थे 18 लाख रूपये कैश, दीमक कर गई चल। पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों ने कोहराम मचा रखा है, डेंगू की वजह से पश्चिम बंगाल में 30 से ज्यादा मौतें हुई। नयनतारा का एंकरिंग के दिनों का वीडियो हुआ वायरल, फैंस के लिए पहचानना हुआ मुश्किल। पीएम मोदी ने किया देवानंद को याद, तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, सिनेमा के लिए उनका जुनून बेजोड़ था। तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, हार्दिक पांड्या और शमी भी नहीं होंगे प्लेइंग 11 का हिस्सा। मुकेश अंबानी की राह पर चले उनके बच्चे, नहीं लेंगे कोई वेतन, सिर्फ मिलेगी फीस। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को लेकर फिर भड़के अश्लील ग्रोवर, बोले ना कोई टैक्स देगा ना सरकार को मिलेगा। दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट करने में यूपीआई का जमकर हो रहा यूज, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन में जोरदार बढ़ा। केपी एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।